गुड मॉर्निंग। और अभी ना सुबह सुबह नींद छूटता ही नहीं है। सुबह उठती हूँ तो अलग ही फील होता है, क्योंकि दुर्गा पूजा नौशती गा रहे हैं, तो दुर्गा पूजा जब नौशती गाता है तो अलग ही फील होता है। और आज बिट्टू का एग्ज़ाम है, आज से ही चालू है, तो जल्दी छूटेगा, इसलिए उसको शॉर्ट ब्रेक ही दे रही हूँ। वो लेके ही नहीं जाएगा बोला था, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती दे रही हूँ। और आज मेरा सुबह का रूटीन थोड़ा अलग ही होएगा, क्योंकि आज एकादशी है। ये देखिए आज का वेदर देखिए, एकदम अंधेरा छाया हुआ है, कब से बारिश चालू है और अच्छा ही नहीं लग रहा है। लगता है दुर्गा पूजा में भी बारिश चालू ही रहेगा। तो बिट्टू चला गया स्कूल पे, तो मैं अभी सब साफ सफाई करके गैस तो धो लिया, तो अभी पहुँच रही हूँ। पहुँच के फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। निशा का आज कॉलेज नहीं है, इसलिए वो अभी भी सो रहे हैं, 10 बजे उठेगा। तो किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है अभी खाना नहीं बनाने का, क्योंकि फिर से गंदा होएगा, फिर से साफ करना पड़ेगा। नहा के हो गया, अभी भगवान का बर्तन घिसने का है। इतना सारा बर्तन डेली सुबह सुबह घिसना पड़ता है, तो ये काम मेरा हस्बैंड भी करते हैं, क्योंकि सुबह का पूजा वही करते हैं, ज़्यादातर वही करते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह मेरे को इतना ज़्यादा काम है नहीं। तो बर्तन घिसने के बाद एक एक बर्तन अच्छे से पोंछना भी पड़ता है। पूजा तो हो गया, अभी पेट पूजा का तैयारी चल रहा है। एक साइड में आलू उबालने के लिए दिया, एक साइड में दूध बिठाया, और ये बन रहा है साबूदाना का खीर, ये दोपहर में खाऊंगी। और थोड़ा सा अमूल पाउडर भी उसमें दे रही हूँ, उसमें क्या टेस्ट बढ़ता है। ये देखिए बटाटा फ्राई भी हो गया, और पहले से मैं सिंगदाना फ्राई किया है, तो उसका स्किन निकल के फिर ऐड करूँगी। तो मैं ऐसा हरा मिर्ची के साथ ही बनाती हूँ, तो आज थोड़ा अलग टाइप का बनाऊँगी। तो मेरा हस्बैंड अभी नहा के पूजा करके बैठा है, तो उसको फ्रूट दे के आती हूँ।
और मेरा बटाटा फ्राई हो जाएगा तो खाऊंगी। तो पहले खाएगा, उसके बाद मैं खाऊंगी। ये देखिए, तो मैं सिंगदाना ऐड कर दिया, चिली फ्लेक्स और रोस्टेड जीरा पाउडर, बस इतना ही डालना है। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना जो लोग एकादशी करते हैं। ये देखिए, देखने में भी यम्मी लग रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। आज है एकादशी और एकादशी में काम ही नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे लोग के लिए मैं दोपहर में खाना नहीं बनाती हूँ, रात को चावल बनाती हूँ, सब्जी दाल बनाती हूँ, तो वही खाते हैं वो लोग, गर्म कर देती हूँ। और हमारा तो सिंपल से ही बनता है, वो तो आप लोग देखा ही है मैं क्या क्या बनाया है। और आज से ना बाबू का फर्स्ट सेमेस्टर भी चालू हो गया, तो आज फर्स्ट पेपर है। अच्छा है, पूजा से पहले हो जाएगा। और पूजा का भी अभी साफ सफाई बाकी है, धीरे धीरे मैं करूँगी। अभी बिट्टू भी आ जाएगा, उसका क्लास वगैरह होएगा नहीं, एग्जाम होने के बाद ही छूट जाएगा। और इस्त्री वाला भी कपड़ा देके गया है, तो चलिए मैं कपड़ा रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा ही कपड़ा है और इसमें हैंडकच सिखा गया, वो लोग बोला भी नहीं है। ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, तब भी देती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी बियावती करने का है, तो मैं अभी गोपू के लिए दूध गर्म करूँगी। और दोपहर में खाने के बाद, मतलब खाना तो वही था, साबूदाना का खीर, वो खाया। वो खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया है, तो अभी दियावती करना है, तो गोपू के लिए अभी दूध गर्म करूँगी। और ये इलेक्ट्रिक ओवन लेके आके ना मेरा बहुत फ़ायदा हो गया, तो चलिए मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। अभी दूध गर्म करने के लिए दिया है, तो मैं तब तक गोपू को थोड़ा सा झूला में झूलाती हूँ। नंद किशोर थाको मन जुड़े, थाको परानी मन मधुपुरे। नंद किशोर थाको मन जुड़े, थाको परानी मन मधुपुरे। आलोर मुरली भोरे तुमाई से साधना, चाचिल आमार सभी तुमाई दिलाम, चाचिल आमार सभी तुमाई दिलाम। कुंज बिहारी हे गिरिधारी, तुमारी चरणों शरण निलाम, तुमारी चरणों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दियावती हो गया और मैं थोड़ा सा बैठ के भजन भी किया है, और अभी डिनर बनाऊंगी बच्चे लोग के लिए, रोटी और पनीर का सब्जी बनाऊंगी, और हम लोग के लिए सिंघाड़ा आटा का वो टिकली टाइप का बनाऊंगी। उससे पहले मैं ना आप लोग को दिखाती हूँ, मैं ऑनलाइन एक क्रीम ऑर्डर किया है, अभी आया, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
मैं लोटस का यही क्रीम यूज़ करती हूँ। लोटस का दूसरा भी प्रोडक्ट है लेकिन मुझे वो सूट नहीं करता है, और बाकी दूसरा क्रीम भी मुझे सूट नहीं करता है, पिंपल्स आते हैं। पनीर मखनी बन गया, अभी चपाती बनाना है। चपाती और पनीर मखनी तो बन गया, अभी हमारा सिंघाड़ा आटा का रोटी बोलिए टिकड़ी बोलिए वो बनाने का है। तो मैं 1.5 बटाटा लिया है, उबाल लिया है, हरा मिर्ची लिया है 3, थोड़ा तीखा चाहिए क्योंकि सुबह से मीठा मीठा खा रही हूँ ना। और ये है सिंघाड़ा का आटा, सिंघाड़ा का आटा 1 कटोरी का, 1 कटोरी भी नहीं है, इतना लिया। और अभी मैं पनीर ऐड कर रही हूँ, पनीर नहीं देगा फिर भी चलेगा, मेरे पास है इसलिए दे रही हूँ। और ये है अदरक जीरा का पेस्ट, पानी नहीं देने का, ऐसा ही गूंदने का। क्या बना रहे हो? सिंघाड़ा आटा का रोटी, नमक देना भूल गया। हमारे लिए खाने में क्या है? तुम्हारा चपाती और पनीर का कड़ी। ये है सिंधा नमक, उपवास का नमक, और बटर देने का 1 चम्मच। जैसा आटा गूंथते वैसा ही गूंदने का, सिर्फ पानी नहीं देने का। रोटी जैसा नहीं बेल सकते तो कैसा करना है वो आप लोग को दिखा दी। ये देखिए ऐसा करने का, फिर ऐसा करके राउंड करने का, फिर ऐसा करके 2 हाथ से प्रेस करने का। ज़्यादा पतला नहीं होएगा, थोड़ा सा जड़ा ही होएगा। ऐसा करके 2 साइड अच्छे से सेकने का, उसके बाद बटर से फ्राई करने का, नहीं तो घी से फ्राई करने का, नहीं तो ऑयल से फ्राई करने का। तो उपवास का ऑयल तो बादाम ऑयल ही यूज़ करती हूँ, तो अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी क्योंकि ये गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। बाप रे की होलो बिट्टू, क्या गिरा? मैंने कुछ नहीं किया। ऊपर गिरा है कोई? मुझे बहुत नींद लग रहा है, अभी सो भी नहीं सकता क्योंकि सोने के बाद खाने के लिए होएगा ही नहीं। और मेरा हस्बैंड अभी आने में शायद लेट होएगा क्योंकि लेट करके गया है। अभी निशा खा रहा है और बिट्टू उसका पापा आने के बाद खाएगा। तो मैं अभी गोपाल को शयन दूंगी क्योंकि अभी 10 बज गया। तो चलिए मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड ड्रीम।